हाय हाय। दो दिन पहले मैंने भाभी जी को मार्केट में देखा, किसी आदमी के साथ। मित्रों नमस्ते, आज कैबिनेट ने कुछ फैसले किए हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये पहले मैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के फैसले की जानकारी आपको दे देता हूं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने डैम की सुरक्षा और रिहैबिलिटेशन के लिए लगभग 3,466 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस को अप्रूवल दिया है। 3,466 करोड़। देश के जितने डैम हैं उनकी सुरक्षा, पुनर्वास, रिपेयर एक्सेट्रा के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 3,466 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है। वो देश के 198 डैम्स पे लागू होगा। उसमें वर्ल्ड बैंक का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल कंपोनेंट है, लगभग 2,628 करोड़ वर्ल्ड बैंक का कंपोनेंट है, बाकी राज्य और केंद्र मिलकर करेंगे। और इसमें रिहैबिलिटेशन, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी बातें आएंगी। ये देश के 198 डैम्स के बारे में ये लागू होगा। मित्रों आज रेलवे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला किया है। ये जो इंदौर बुधनी 2005 किलोमीटर की लाइन है, इंदौर बुधनी, इसको आज नई लाइन और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है। इससे जबलपुर और इंदौर की दूरी 68 किलोमीटर कम हो जाएगी। और ये पहले जबलपुर इंदौर के बीच में भोपाल के माध्यम से जाना पड़ता था, और अब इंदौर और मुंबई की दूरी भी बहुत कम होगी। इसका कुल खर्चा 3,261 करोड़ करोड़ है, 3,261.82 करोड़। और स्वयं प्रधानमंत्री जी का निर्देश, वित्त मंत्री जी का सहयोग, सुषमा जी ने इसके लिए बहुत पहल की थी। और इसके बाद ये बहुत ही रेलवे नेग्लेक्टेड एरिया है, तो माननीय रेल मंत्री ने प्रस्ताव लाया। तो आपको मालूम है कि हम पूरे फर्टिलाइजर को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं देश में, सिंदरी बताया, गोरखपुर बताया था, उसी में तालचेर जो उड़ीसा में है, तालचेर फर्टिलाइजर फैक्ट्री, उसमें भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,033.54 करोड़, 1,033.54 करोड़ इंफ्यूज करने का निर्णय किया है। और इससे कोल ग्लासिफिकेशन बेस्ड फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, आपको मालूम है कि जब गैसिफिकेशन से फर्टिलाइजर बनता है तो सस्ता होता है पारंपरिक रूप में, और उसके बाद इस गैस का बाकी उपयोग होगा जो आप जानते हैं। आज हमारी कैबिनेट कमेटी ने प्रधानमंत्री के निर्देश में देश की आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से उनको आशीर्वाद और स्नेह दिया है। उनके पूरे ऑनरेरियम को हम लोगों ने बढ़ाया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का पहले ऑनरेरियम था 3,000 रुपया पर महीना, अब ये बढ़कर हो गया 4,500 पर महीना, तो पूरे 1,500 रुपये की बढ़त हुई है। और आंगनवाड़ी वर्कर जो है, जिसको हम मिनी आंगनवाड़ी सेंटर भी कहते हैं, वो पहले 2,250 मिलता था उनको, अब वो बढ़कर 3,500 हो गया है, फ्रॉम 2,250 to 3,500। और जो आंगनवाड़ी हेल्पर हैं जिनको सिर्फ 1,500 मिलता था, उनको भी 2,250 मिलेगा। तो 27 लाख आंगनवाड़ी वर्कर, उसके बाद आंगनवाड़ी हेल्पर जो देश में हैं उनको इसे सहयोग मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि जो 6 साल की बच्चियां होती हैं उनका लो बर्थ, एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, न्यूट्रिशनल, इसमें हमारी आशा बहनें बहुत बड़ा काम करती हैं। और मैंने आईटी मंत्री के रूप में इनको आईटी एम्पावर्ड करने का भी एक विशेष कार्यक्रम सीएससी के माध्यम से चलाया हुआ है। इसमें
इसको 20 तक ले गए हैं, टोटल वे 10,649.41 करोड़ आएगा। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ रिविजन ऑफ दिस ऑनरेरियम ऑफ द आशा ग्रुप ऑफ वर्कर्स विल फ्रॉम 2018-19 टिल 19-20 विल लीड टू 10,649.41 करोड़। बाकी जो आशा बेनिफिट्स होता है ये इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल किया था इनको। हाँ, ये पहला मैंने रिवाइज एस्टिमेट बताया आशा वर्कर्स का, ये शुरू इसका पेमेंट होगा 1 अक्टूबर 2018 से। बाकी आशा बेनिफिट पहले ही दिया जा चुका है, उसको हम लोगों ने अप्रूव किया है, जिसके कारण उनका वो जो आपको मालूम है जो सारे हमारे जीवन ज्योति बीमा है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और हमारी बाकी इन सबों में आशा वर्कर्स का और भी बहुत अधिक योगदान होता है उनको प्रेरित करने में, तो उसमें भी उनका पैकेज पहले अनाउंस हुआ था तो 12,224.97 करोड़ उसका वो सहयोग लेंगी। और आपको मालूम है जो सारे हमारे प्रधानमंत्री जीवन योजना सुरक्षा के जो हैं, एक्सीडेंट में 2 लाख रुपये मिलते हैं, 1 रुपया पर महीना 12 रुपये के हिसाब से, अगर आपकी सामान्य मृत्यु हुई तो 344 रुपीज पर ईयर के माध्यम से आपको 2 लाख रुपये मिलते हैं। और बाकी आपको मालूम ही है कि 1 लाख रुपया अगर आपको एक्सीडेंट में आपके लॉस साइट हो गए बाकी हुई तो ये सब मिलता है। मित्रों, कैबिनेट ने आज जम्मू कश्मीर के लिए ये जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है इसको 1 साल तक और बढ़ाया है और इसके लिए 143.604 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है। मित्रों, कैबिनेट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करते हुए 3 तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस आज अप्रूव कर दिया है। आपको मालूम है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था, उस फैसले में 3 तलाक को निरस्त किया था, 2 जज ने पाया था कि आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 1 जज ने कहा था कि यह पाप है, जो पाप है वैधानिक कैसे होगा, और उसके बाद फिर बाकी 2 जज ने कहा कि इस पर पार्लियामेंट कानून बनाए तब तक 6 महीने के लिए इसको रोक देते हैं। ये निर्णय आपको मालूम है पिछले साल का था, लोकसभा से हमने इसको पारित कराया, राज्यसभा में लटक गया। और मैं आपके सामने एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूं, अभी तक 430 तीन तलाक की घटनाएं हमें मालूम हुई हैं, जो हम जानकारी प्राप्त कर पाए हैं विभिन्न स्रोतों से, जिसमें 229 जजमेंट के पहले के तुरंत उसी साल के और 201 जजमेंट के बाद के, और यह संख्या है जनवरी 2017 से सितंबर 13, 2018 तक। इसको इतना अपडेट किया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट द इंस्टेंस ऑफ ट्रिपल तलाक कंटिन्यूज अनअबेटेड In spite of the Supreme Court having annulled it, in spite of the passage of the bill by the Lok Sabha and the bill pending in the Raj Sabha. And we have got all the evidence before us, series of paper, ये सब हमारे सामने है कि रोटी काली हो गई तो 3 तलाक दे दिया, सुबह लेट से उठी तो 3 तलाक दे दिया, विदेश से व्हाट्सएप से 3 तलाक दे दिया। और मैं मीडिया का बहुत ही अनुग्रहित हूं कि मीडिया ने इसको विस्तार से छापा है, काफी जानकारी हमको मीडिया के माध्यम से ही मिली है, मेरे पास स्वयं बहुत शिकायत आती है। हमने कांग्रेस पार्टी को साथ लेने की बहुत कोशिश की थी, प्रधानमंत्री के निर्देश पर अनंत कुमार और हम उनके नेता उपनेता से मिले थे, तो हमारे गुलाम नबी थोड़े व्यस्त थे, कहे कि आनंद कुमार से बाकी बात करिए। मैंने 5 बार उनसे आग्रह किया, 5 बार कि आप सहमति दीजिए, अब तो काफी बदलाव भी हो गया है, कहा मैं ऊपर बात करके बताऊंगा, ऊपर बात करके बताऊंगा। और लास्ट की कहानी आपको मालूम है कि बाकी पार्टियों का भी राय लीजिए,
वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं दिया और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक चलता है और वो खामोश रहती है। इट इज माय सीरियस चार्ज विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट अ डिस्टिंग्विश्ड वुमन लीडर इज द अल्टीमेट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी येट सच ए बारबेरिक इनह्यूमन ट्रिपल तलाक curse was not allowed to be ended by a parliamentary law because of ambiguity and vacillation of the Congress party for pure vote bank politics because I have myself approached them as I said 5-6 times therefore I have conveyed to you ab jab teen talaq ka ye chal raha hai maine number bataya 430 13 september tak to kya kiya jaye ये अर्जेंसी है। देश की महिलाएं परेशान हैं और आपकी जानकारी के लिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं आपको राजव्यार ब्यौरा देना चाहता हूं, बाकी पूरे देश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जनवरी 17 से जजमेंट के पहले 126 केसेस हुए और जजमेंट के बाद 120 केसेस हुए और ये केस वही है जो हम कलेक्ट कर सके मीडिया की मदद से बाकी कर से बहुत कुछ अनरिपोर्टेड है। देयरफॉर देयर वाज अ कंपेलिंग नेसेसिटी टू कम विद एन ऑर्डिनेंस, देयर वाज एन ओवरपावरिंग अर्जेंसी टू कम विद एन ऑर्डिनेंस। दुनिया के 22 इस्लामिक मुल्कों में तीन तलाक को नियंत्रित किया गया है लेकिन भारत ऐसे सेक्युलर मुल्क में बड़ी संख्या में हमारी खवातीन बेटियों बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही थी। दो नियरली 22 मुस्लिम कंट्रीज हैव रेगुलेटेड ट्रिपल तलाक बाय वेरियस मेजर्स। इन ए सेक्युलर कंट्री लाइक इंडिया प्रोटेक्टेड बाय फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 21 जेंडर जस्टिस वॉज गिवन कंप्लीट गो बाय because of blatant vote bank politics। और ये बात मैंने पहले भी कही है, तीन तलाक का मुद्दा न पूजा का है, न प्रार्थना का है, न धर्म का है, न इबादत का है। ये मुद्दा है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। I have said it on many occasions earlier that the issue of triple talaq has nothing to do with faith or mode of worship or religion. It is a pure issue of gender justice, gender dignity and gender equality. क्या यह मुनासिब होगा कि आजादी के 70 साल बाद भारत के संविधान और मौलिक अधिकारों के रहने के बावजूद हमारी खवातीन को कहा जाए तलाक 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 और तुम सड़क पर जाओ? और अर्जेंसी का एक कारण आप लोग और समझिए, वो लोग कई बार थाने में गई, थाने ने कहा सॉरी वी डोंट हैव एनी पावर, क्योंकि कानून है नहीं। ये जो पूरा कानून है इसके तीन मुख्य बिंदुओं को जो पहले भी कैबिनेट ने अप्रूव किया था आज मैं बताना चाहता हूं, इसको रिपीट करना चाहता हूं। पहले हिंदी में कहूंगा फिर अंग्रेजी में बता दूंगा। इसमें जो अपराध है वो कॉग्निजेबल तभी होगा जब इसकी शिकायत पुलिस में महिला स्वयं करेगी या ब्लड या मैरिज से उसके कोई रिश्तेदार करेंगे, मतलब कोई पड़ोसी या कोई अनजाना व्यक्ति यह केस नहीं कर सकता। कॉग्निजेबल का मतलब होता है पुलिस सीधा कार्रवाई में आती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। तो यह प्रक्रिया तभी शुरू होगी जैसा मैंने बताया, या तो महिला स्वयं करेगी या उसके खून के रिश्ते या शादी से रिश्ते के लोग करेंगे। दूसरा, इसमें पत्नी के इनिशिएटिव पर समझौता हो सकता है, कंपाउंडेबल कहते हैं।
कई बार गुस्से में लोग करते हैं, बाकी करते हैं, जब कानून की धमक दिखाई पड़ती है तो तैयार हो जाते हैं। तो जब पत्नी चाहेगी तो वो समझौता कर सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्तों के साथ। तीसरा, इसमें मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है, लेकिन पत्नी से सुनवाई करने के बाद। हम चाहते हैं आपको यह बताना कि हमने क्यों कहा यह कि सामान्यतः स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं, यह पति पत्नी के बीच का निजी मामला है, अपराध है, इसलिए पत्नी ने अगर गुहार लगाई है तो बेल देने के पहले उसकी भी सुनवाई करिए। इसका आशय यह है कि हम किसी भी परिवार को तोड़ना नहीं चाहते। कई बार ऐसा होगा कि मजिस्ट्रेट के सामने स्वयं सुलह हो जाएगी, और बाकी तो पूर्व में है कि छोटे बच्चे जो माइनर हैं उसकी कस्टडी मां को मिलेगी, और पत्नी और बच्चे का मेंटेनेंस का अधिकार मजिस्ट्रेट निर्देश देगा और पति देंगे। मैं इसको शॉर्ट में अंग्रेजी में भी रिपीट कर देता हूं। द कोर कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डिनेंस इज दैट एन ऑफेंस विल बी कॉग्निजेबल ओनली एंड ओनली व्हेन द एफआईआर इज फाइल्ड बाय द विक्टिम वाइफ और हर क्लोज रिलेशंस बाय ब्लड और बाय मैरिज। द सेकेंड, इट इज कंपाउंडेबल, इट कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड, बट ओनली एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ अपॉन अप्रोप्रिएट टर्म्स एंड कंडीशंस एज डिटरमिंड बाय द मैजिस्ट्रेट। एंड थर्डली, ए बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द मैजिस्ट्रेट अपॉन रीजनेबल ग्राउंड्स, बट ओनली आफ्टर हियरिंग द विक्टिम वाइफ ऑल्सो। And the rationale for bringing the victim wife to be heard before bail is granted is because this is a private dispute between the husband and the wife, and therefore the wife must be heard when the bail is granted. As far as the other provisions are concerned, the mother, the victim wife, must get the custody of the minor child is a part of this bill, ordinance also, and the mother is entitled for a maintenance suitably determined by the magistrate for herself and also the minor children. So, मित्र, ये इसकी पूरी रूपरेखा है। इसमें हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अर्जेंसी, जैसा मैंने बताया कि तीन तलाक बेधड़क चल रहा है और विक्टिम परित्यक्ता पत्नी के पास कोई उपकरण नहीं है अपने को बचाने के लिए, तो इसलिए हमने इसको लाया है। आपके प्रश्न लेने के पहले मैं एक बार सोनिया जी से फिर अपील करूंगा कि सोनिया जी, ये अध्यादेश देश हित में लाया गया है। सोनिया जी, ये अध्यादेश देश की नारी के इंसाफ के लिए लाया गया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि वोट बैंक की चारदीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत और इंसाफ के लिए आपका समर्थन हो, और मेरी यही अपील मायावती जी से भी होगी और मेरी यही अपील ममता जी से भी होगी। आप तीनों वरिष्ठ नेत्रियां हैं, तो जहां सवाल इस देश की ख्वातीनों के इंसाफ का है, तो आप भी सियासत के वोट की चारदीवारी से ऊपर उठकर इंसानियत के साथ खड़े हो जाइए। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई एम ओपन टू क्वेश्चन। स्टॉप। ओके, अभी तो कैबिनेट ने पास किया है, वहां भेज रहे हैं। चलिए ठीक है, आप नहीं, मैं उस प्रश्न का उत्तर दे दूं। ये विषय दूसरा है, ये संसद में पास है, दूसरे हाउस में पेंडिंग है, इसके कंटेंट्स आपको मालूम है, इसलिए हम बताए। हाँ, कुछ परिवर्तन किया है जो बताया आपको मैंने। अब ठीक है, वो तो संसदीय परंपरा और प्रक्रिया का हम अनुपालन करेंगे। देखिए, अगर आप ये बात बिल्कुल कानूनी रूप से पूछते हैं तो क्रिमिनल लॉ रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है, लेकिन उसका एक और प्रोविजन होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, है? तो अब देखेंगे उसका कानूनी पक्ष क्या है। सर, यस, आई हैव
इन आसाम इट इज 11, इन माई स्टेट बिहार इट इज 19। ठीक है, मैं बता देता हूं। अब फिर बहुत लंबा लगेगा। अभी मैं फिर कह रहा हूं, ये अंडर एस्टिमेट भी है, ये वही है जो हम मालूम कर पाए आप लोगों की मदद से, हो सकता है इसका दुगुना हो। अब बिहार में 19 है, छत्तीसगढ़ दिल्ली में 1 है, गुजरात में 4 है, हरियाणा में 4 है, जम्मू कश्मीर में 7 है, बट दिस लॉ डजंट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर लाइक अदर लॉस। दिल्ली एक अभी तक हमको एक जानकारी मिली है। झारखंड में 35 है, मध्य प्रदेश में 37 है, महाराष्ट्र में 27 है, तमिलनाडु में 10 है, तेलंगाना में 10 है, इस तरह से सब है। तो आई रिपीट, जनवरी 2017 वी हैव फिक्स्ड ओनली बिकॉज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। आई अगेन रिपीट, दीज आर वॉट वी कुड गेट। आई वुड अपील टू ऑल ऑफ यू टू हेल्प अस गेटिंग मोर। इन मेनी विलेजेस वी आर नॉट एबल टू रीच, बट द बॉटम लाइन इज the curse of triple talaq continues unabated, and whatever we have been able to collect is shocking. सर, ट्रिपल तलाक विधेयक को जैसे कैबिनेट ने मंजूरी की खबर आई, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि कुछ संशोधन उसने सुझाए थे जो पेंडिंग है और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए लाया जा रहा है चुनावी साल। कांग्रेस पार्टी होमवर्क नहीं करती तो उनको होमवर्क करवाने का मेरा दायरा नहीं है। ठीक है, अगर कांग्रेस पार्टी को इंसाफ और इंसानियत में भी सियासत दिखाई पड़ती है तो उनको समझाने का काम हमारा नहीं है। मैंने पहली बार कहा, ईमानदारी से कहा कि ये विषय वोट बैंक से ऊपर है। सर, आपने कहा कि पत्नी के चाहने पे ही संगता हो सकता है, अगर पति को लगता है कि गलत हो गया तो? नहीं, पति जाएगा, पत्नी को समझाएगा, दोनों मिलकर जाएंगे। देखिए, कोर्ट में जब समझौता होता है तो उस समझौते की एक कीमत होती है, उसकी एक अथॉरिटी होती है, वो रिकॉर्ड होता है। उसके बाद पति फिर उसके अलग नहीं जा सकते। तो मैंने ये क्यों जानबूझकर ये विषय क्यों रखा है, पत्नी स्वयं कहेगी अब वो ठीक हो गए, हमें वापस ले जाने को तैयार है, इसलिए मैं आया हूं। तो कोर्ट उनसे भी पूछेगा आपका क्या कहना है, एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द पार्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज, इट विल बिकम एन ऑर्डर ऑफ कॉम्प्रोमाइज हैविंग द सील ऑफ द कोर्ट। नो प्लीज, वन बाय वन, भाई तीन, अभी मैं तीन तलाक पर सारे जवाब दे दूं, फिर वन बाय वन। जबकि आप इस संज्ञान में जो मामले आ चुके हैं, सरकार के संज्ञान में जो मामले आ चुके हैं, उनमें न्याय कैसे मिलेगा, क्योंकि ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अब ठीक है, उसको एग्जामिन करेंगे, उस विषय का आज मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। लॉ में एक होता है प्रोविजन कंटिन्यूइंग ऑफेंस, देखना पड़ेगा, लेकिन सामान्यतः जो कानून प्रोविजन है कि क्रिमिनल लॉ इज नॉट फास्टेन रिट्रोस्पेक्टिवली, आप देखते हैं उसका। ओके, आप पहले पूछ लीजिए। सर, यूएई कोर्ट हैज सेड दैट दे आर रेडी टू एक्सट्रैडाइट। स्टॉप, फर्स्ट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक, यस। आपने पूछ लिया बहुत, हाँ बताइए। सर, द इशू ऑफ यू नो ऑपोजिशन पार्टीज जस्ट नाउ हैव वेलकम द डिसीजन सेइंग इट्स यू नो विद अ ह्यूमन फेस फाइनली, बट दे पॉइंट आउट दैट इट वॉज यू नो दे हैड बीन पॉइंटिंग आउट फ्रॉम द डे वन व्हेन यू इंट्रोड्यूस द बिल आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड रेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल अबाउट क्रिमिनैलिटी, व्हाई डिड यू हैव takes so long to water down the bill and bringing those amendments to the Rajya Sabha? First of all, there is no watering down in the bill. It remains cognizable with 3 years of punishment. There is no watering down. As regard the Congress allegation is concerned, the Congress has supported this bill in toto in the Lok Sabha, even without these amendments. I am not going to get your certificate about Congress. I'm not telling you what they said on the floor. Congress party's role in the Raj Sabha is too well known. They did not cooperate, and the matter is there. Okay. Yes. And therefore, I have also appealed today that if they are serious and earnest, let them publicly say that when we revert to the parliament, when the session commences, they will support it. We would appreciate their support on the floor of the house, not before television channels. Yes.
मांगा और इस पर आपका जवाब नहीं मिला, तो इस पर क्या प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद फिर सोनिया जी से, ममता जी से और मायावती से अपने स्तर पर मिलने की? देखिए इसका 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 उत्तर बहुत स्पष्ट है। मैं हमसे मिले, बातचीत भी हुई, उसमें दिक्कत नहीं है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, हम आपको बताएंगे बताएंगे। अब वो हमें कुछ बताएंगे तब ना बात आगे बढ़ेगी। लास्ट दिन उन्होंने यही कहा कि बाकी पार्टियों के साथ भी हमको चलना है। अगर वो कहते कि एक बार प्रधानमंत्री जी आग्रह करें सोनिया जी से, या आप जाके उनसे मिले, तो हम जरूर जाते। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आपको उत्तर दे दिया हमने। सर, दिस बिल एंड दिस नाउ दिस ऑर्डिनेंस इज अ कॉन्क्रीट स्टेप टुवर्ड्स एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन। माई क्वेश्चन इज, वॉट विल द बीजेपी एंड द गवर्नमेंट विल डू नाउ फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन? विल वी सी एनी पार्टिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ टिकट्स टू मुस्लिम वुमेन इन द कमिंग इलेक्शंस? आई वुड रिक्वेस्ट यू डोंट रिड्यूस दिस डिबेट टू पोलिटिकल एम्पावरमेंट। दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यू हैव सीन हाउ मुस्लिम वुमेन इन बुरका हैड वेलकम मोदी जी इन वाराणसी। वी आर consciously and deliberately keeping this bill away from political divide. It is, as I said, only for gender justice and gender empowerment. Sir, the package did not come up for discussion in the cabinet? No. No question on Triple Talak? Any more question? No, एक ट्रिपल तलाक के ऊपर और कोई का क्वेश्चन नहीं है? चलिए क्या ओके। कांग्रेस के डेलीगेशन ने एनसीसी जाके मुलाकात की, उन्होंने मांग की कि राफाल जो है बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी तेजी जांच। इस पर मैं कुछ पहले अंग्रेजी में बोलूंगा फिर हिंदी में बोल देता हूं। आई डोंट थिंक जेपीसी और सीएजी इंक्वायरी इज सेटअप टू सेटिस्फाई द ईगो ऑफ एन इल इन्फॉर्म्ड लीडर who repeats lies with alarming regularity. But what has struck me more, that Mr. Anthony, who was the defense minister for 8 years, during which nothing could be done for modernization and empowerment of Indian forces, he was the minister when the offset rule was framed, as Nirmala ji has already articulated. He was the minister who left the HAL in lurch as far as the joint operations is concerned. Mr. Anthony has a lot to answer. But today I would like to raise a more important question. Indian Air Force badly needs planes. Old planes are causing repeated accidents and injury and even death of pilots. Should the Congress at least rise to the occasion for the sake of country's safety and security? That's the larger question I would like to flag. Our government is working honestly, and our government is committed to ensuring safety, security, and weapon strengthening of Indian Air Force. Ab main isko Hindi mein bol deta hoon. JPC ki inquiry या सीएजी की इंक्वायरी किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता की जानकारी के अभाव के कारण नहीं की जाती है, जो बार बार अपने झूठ को दोहराते हैं। लेकिन मुझे सबसे पीड़ा हुई स्वनाम धन्य एके एंथोनी की टिप्पणी को देखकर। वो भारत के 8 साल रक्षा मंत्री थे, जिनके 8 साल के लंबे कार्यकाल में भारतीय सेना के वेपनाइजेशन में सबसे कमजोरी आई थी। राफेल डील उन्होंने निगोशिएट किया, 10 साल में कुछ नहीं कर सके। ऑफसेट रूल उन्होंने बनाया, एचएएल को डिच किया उनकी सरकार ने, और आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं। निर्मला जी ने इसका विस्तार से उत्तर दे दिया है। मैं एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस पार्टी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। हमारी सरकार ईमानदारी से काम करती है, और आज देश का जो हमारे वायुसेना के विमान हैं वो पुराने हो गए हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, पायलट्स की जान जाती है, उनको नए विमानों की आवश्यकता है, और जिस तरह से वो करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और गैर जिम्मेदारना आचरण कोई नहीं हो सकता। दैट्स ऑल।
UAE court has said that they are in a position to extradite Christian Michelle. How do you see this in the way? Well, that is a good development. But what is more surprising for me is the profound sense of unease which I am noticing in some of the political leaders of India. क्रिश्चियन मिशेल के प्रत्यावर्तन पर जो दुबई के न्यायालय ने फैसला किया है वो एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य कार्य है, लेकिन मेरे लिए कुछ अजूबे की बात यह है कि ये जानकारी प्राप्त होने के बाद देश की राजनीति कुछ महत्वपूर्ण लोग बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं. That's all. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen.